हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉप्स। यू नो डाइहाइब्रिड क्रॉप्स, डाइहाइब्रिड क्रॉप्स मीन क्रॉस बिटवीन अ टू कैरेक्टर, क्रॉस बिटवीन टू कैरेक्टर। टू कैरेक्टर इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। यू नो कोई भी आप दो कैरेक्टर ले लीजिए, जो कि मेंडेलियन 7 कैरेक्टर थे, उसमें से आप दो कैरेक्टर चूज करेंगे, कोई भी। वी टेक सेम एंड कलर ऑफ सी, और यू कैन से कलर ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं, देन पोजिशन ले सकते हैं ऑफ फ्लावर एटसेट्रा। सेम एंड कलर ऑफ सीड, तो क्रॉस बिटवीन सेम एंड कलर ऑफ सीड। यू नो सेम राउंड रिंकल, राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड रिसेसिव, देन येलो डोमिनेंट कलर एंड ग्रीन रिसेसिव। तो हमने क्या लिए, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट राउंड येलो। दीज आर द टू कैरेक्टर एंड दीज टू कैरेक्टर आर डोमिनेंट कैरेक्टर। देन रिंकल राउंड का रिसेसिव, रिंकल तो यहां करेक्टर ले रहे हैं, रिसेसिव में राउंड का रिसेसिव, रिंकल एंड येलो का रिसेसिव ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। देन पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर। देन कैपिटल वाई। हियर राउंड का स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। दीज आर द कैरेक्टर, राउंड का रिंकल और येलो का ग्रीन, राउंड सी से येलो कलर, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। Then gametes are, you know, ध्यान रखें, gamete already पहले भी बता चुके हैं, जो भी gamete formation होती है उसमें हमेशा number become half due to meiosis। एक बार फिर भी देख लें, यहां पर 2n, these are n conditions, gamete always remain हाफ, गैमेट हमेशा हाफ रहते हैं। तो इसलिए यदि हम गैमेट बनाते हैं तो क्या गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दीज आर गैमेट। गैमेट को हम हमेशा सर्कल में ले लेते हैं। हेयर small r and small y, these are gametes. Then F1 generation, first filial generation, F1 generation,
इन F1 जनरेशन क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस, दैट इज कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल Y स्मॉल Y, कैपिटल R देन स्मॉल R, कैपिटल Y then small y. इधर से देखें सेम कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y एंड स्मॉल Y small one. So these are the ratio of F1 generation. अब ratio क्या रहेगी? आप इनका भी करना चाहें, ये देखिए, इसका 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 और इसका कहीं सेम आएगा 1:1 mean यदि phenotype देखें, phenotype फिनोटाइप मीन फिजिकल अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस है ऑल राउंड येलो, सभी के सभी राउंड येलो हैं, क्योंकि इस आर के सामने मीन कैपिटल आर के सामने इस आर की वैल्यू नेगलेक्ट है और इस वाई के सामने इस वाई की वैल्यू नेगलेक्ट है, मीनिंग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, दे डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ all round yellow. So this is F1 generation and phenotypic. F1 phenotypic ratio mean 1:1 means all round yellow. हम genotype देखें, you know genotype mean gene expression. Genetically ये कैसे हैं? तो genetically हम gene expression यदि देखेंगे तो कैपिटल आर की वजह से कैसे होगा ये राउंड, और स्मॉल आर की वजह से क्यों जीनोटाइपिक, एक्चुअल में इसका रेशियो क्या है, मींस ये एक्सप्रेस तो नहीं कर रहा, फिर ध्यान से सुने, ये एक्सप्रेस तो अपने आप को नहीं कर रहा, बट यदि जीनोटाइपिकली हम देखें कि जीनोटाइपिकली में ये जो आर है स्मॉल आर है ये क्या कर रहा है, इसको हाइब्रिड यानी एक्सप्रेशन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल आर और स्मॉल वाई, बट जीनोटाइपिकली प्रेजेंस ऑफ अ रिसेसिव कैरेक्टर, सो जीनोटाइपिकली हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो. उसके बाद ये हो गया मेंडेलियन डायहाइब्रिड F1 रेशियो 1:1. इसके बाद क्या किया उसने, ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं और मैं यहां पर आपको आई बटन भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि उसने क्या बताया था कि जो करेक्टर है हम क्रॉस कैसे करवाते हैं, ई मस्कुलेशन आप पढ़ भी चुके हैं, उसके बाद भी मैं आपको लिंक दूंगा यहां पर. देन आफ्टर दिस जो F1 क्रॉस करेंगे दैट इज F1 सेल, अब बात आती क्रॉस कैसे करेंगे, इनकी क्रॉस कैसे की थी हमने, उनके सीड को ग्रो करवाया, जितने भी क्या थे राउंड येलो थे इनके क्या रिमूव कर दिए एंड स्टिग्मा, जितने भी रिंकल गए थे उनके क्या रिमूव कर दिए, एंथ रिमूव कर दिए, उन पर क्या किया डस्टेड किए गए पोलन ग्रीन और उनसे रिजल्ट्स दिए, उनके जब सीड कलेक्ट हुए उन सीड को फिर दोबारा से क्या करवाया ग्रो करवाया एंड F2 जनरेशन. तो यहां हम देखेंगे मेंडेलियन F2 जनरेशन, तो F1 सेल इसको नाम क्या दिया हमने F1 सेल मीन क्रॉस बिटवीन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. Then
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दीज आर एफ वन सेल, मीन दीज आर एफ वन पेरेंट्स, दीज आर एफ वन पेरेंट्स। देन गैमेट्स, तो इनके गैमेट भी बनेंगे। गैमेट्स आर, आर पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं, गैमेट देखिए कैपिटल आर, अब ये स्मॉल आर के साथ तो जाएगा नहीं, क्यों, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड लास्ट वन स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या बताया हमने कि कैपिटल आर, ये कैपिटल करने का तरीका बहुत आसान है, कैपिटल आर को एक बार वाई से कर दिया, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई से कर दिया, फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से, फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई से। यहां यदि हम देख लेते हैं क्या बताया, सेम बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। देन उसके बाद हम इनको क्रॉस करवाएंगे, इनकी रेशियो क्या आती है, तो रेशियो कैन बी फाइंड आउट बाई पुनीत स्क्वायर, पुनीत स्क्वायर हम बनाते हैं यहां, ध्यान से देखें, पुनीत स्क्वायर, वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट हम डिवाइड करेंगे, then one two three four, यहां से देखें मेल एंड फीमेल, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कुछ नहीं, जो हमने ये एज इट इज लिख दिए ये हम इस साइड लिखें, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहां इस बॉक्स में हमें क्या करना है, इन दोनों को लिखना है, इस बॉक्स में देखिए ये बॉक्स दिस एंड दिस, सॉरी ये और ये, इस बॉक्स में ये और ये, इस बॉक्स में ये और ये, मीन लेकिन साथ के साथ ध्यान रखेंगे हम कैपिटल लेटर को बड़ा लिखेंगे, लेकिन पेयर में है पेयर में लिखेंगे, पेयर में कैसे, जैसे एक आर यहां है तो एक आर ये इसके साथ लिखेंगे, मीन आर आर इकट्ठा, वाई वाई इकट्ठी, लेकिन कैपिटल है तो कैपिटल पहले, नहीं है तो फिर स्मॉल लिखेंगे। तो देखिए अब हम इन सभी को फिल कर लेते हैं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से कि इस बॉक्स में कौन से लिखने हैं, इस बॉक्स में कौन से लिखने हैं, मैं थोड़ा हिंट भी डाल देता हूं, ये और ये, जैसे यहां लिखना है तो ये प्लस ये वाला, यहां लिखना है तो ये और ये वाला, इस तरह से। तो देखें एक बार, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक रो पूरी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। दिस इज अ पुनिट स्केयर, ये पुनिट स्केयर हमारा तैयार होगा। अब यहां देखते हैं कि इनका फिनोटाइप क्या है, मीन फिजिकल अपीयरेंस क्या है, और जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप एज वेल एज ए जीनोटाइप, वेरी सिंपल। फिनोटाइप, फिनोटाइप मीन फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस क्या है। जीनोटाइप जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन क्या है। फिनोटाइप एज वेल एज ए जीनोटाइप। तो देखिए पहले देखते हैं फिनोटाइप। तो देखिए ये एक सिंपल सा आपको मेथड बताता हूं। देखिए ये आप एक ट्रायंगल ये बना देंगे, क्रॉस कर देंगे, ये देखिए जो भी इस ट्रायंगल की लाइन को क्रॉस करके आ रही है, मींस वो सारे फिनोटिपिकली सिमिलर हैं। फिनोटिपिक का मतलब ये हुआ कि इसमें एक कैपिटल आर तो मिलेगा, दो भी मिल सकते हैं, एक स्मॉल कैपिटल वाई मिलेगा, दोनों भी मिल सकती हैं। फिनोटाइप मींस फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कैपिटल आर का मतलब राउंड और कैपिटल वाई का मतलब येलो। ऑलरेडी हमने लिखा कैपिटल आर कैपिटल वाई, बताया था किस किस के बीच में, फिर बता देता हूं एक बार, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, रेशियो था किसके बीच में था, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल आर, और येलो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हम क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए ये जितने भी कैपिटल आर है जहां वो राउंड, तो फिनोटिपिक रेशियो हम देख रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप, तो ये कैसा है, राउंड येलो, राउंड येलो कितने हैं, राउंड येलो देखते हैं, राउंड येलो देखिए, राउंड येलो हो गए, देखिए राउंड येलो है, राउंड येलो एक कैपिटल वाई की वजह से क्या हो गया, राउंड हो गया, सॉरी येलो हो गया, एक कैपिटल आर की वजह से राउंड हो गया, ये येलो है एक कैपिटल आर से राउंड, ये कैपिटल वाई की वजह से क्या हो गया, येलो। तो चार पांच छह सात आठ और नौ, नाइन, मींस नाइन राउंड येलो, कितने हैं, राउंड येलो नाइन। तो ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो, फिर बता रहा हूं, फिनोटिपिक मीन फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। देन उसके बाद आ जाइए, नाइन तो हो गए, टोटल कितने हैं, 16 हमने वहां काउंट करने हैं। तो इसको यदि हम देखें, ये कैसा है, राउंड, और ये कैसा है, येलो, सॉरी राउंड और ग्रीन, क्योंकि इसमें कैपिटल वाई नहीं है, तो क्या हो गया, ये राउंड ग्रीन। क्या और कोई ऐसा है, हाँ एक ही राउंड, राउंड ग्रीन, और कोई है, देखते एक ही मिल गया हमें, राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन हमारे पास हो गए, राउंड ग्रीन है हमारे पास हो गए, वन टू एंड थ्री। तो अगला हमने लिखा रेशियो राउंड ग्रीन, दीज आर थ्री, देन हमारे पास हो गए 9 और 3 12। देन ये देखिए, ये एक फिर एक छोटी सी ट्रायंगल फिर बना लेते हैं यहां पर, ये देखिए ये तीनों भी कहीं ना कहीं फिनोटिपिकली मिल रहे हैं। मैं फिनोटाइप वर्ड यूज कर रहा हूं, मीन रिंकल्ड येलो, मीन इसमें कैपिटल आर नहीं मिलेगा, स्मॉल आर मिलेंगे, तभी तो क्या है,
रिंकल्ड है, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, कितने? थ्री रिंकल्ड येलो, एक ही बच गया, वो कैसा? देखिए स्मॉल आर स्मॉल आर तो कैसा हो गया? रिंकल्ड, और स्मॉल वाई मीन ग्रीन, यहां से भी देख सकते हैं हम, जहां पर कैपिटल आपको मिल गया, कैपिटल आर मिल गया तो राउंड, और कैपिटल वाई मिल गया तो येलो, वहां पर दूसरा क्या है इसका हमें कोई मतलब नहीं, एक मिलना चाहिए, दूसरा है तो रिसेसिव मिलेगा, हाँ, बट दोनों यदि आपके स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर शो करेंगे डेफिनेटली। तो ये कैसा बताया हमने? रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन वन। तो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्या, ये कौन सी रेशियो आई? F2, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड F2, वो क्या थी? F1 को क्रॉस किया तो F2 रेशियो, और वो क्या है? 9331। उसके बाद आ जाता है कि इसकी जीनोटिपिक रेशियो क्या है, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो, यू नो जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप क्या है, जीन एक्सप्रेशन क्या है, एक्चुअली जो 9 है इनमें से कौन कैसा, अब देखिए हम यहां पर जो 9 है जो हमने एक ट्रायंगल टाइप बना रखा है इसमें देखेंगे, ये देखिए ये प्योर राउंड है, क्योंकि अब हम इसके ऊपर आ गए हैं, एक्चुअल क्या है, प्योर राउंड और प्योर येलो, ये है प्योर राउंड और प्योर येलो, क्या ऐसा कोई है इस स्नो में प्योर राउंड प्योर येलो, मीन दो कैपिटल आर दो कैपिटल वाई पूरे उसमें नहीं है, इसका मतलब प्योर राउंड प्योर येलो केवल एक है इन नो में से। अब हम इन नो को देखते हैं, नाइन को देख रहे हैं, तो नाइन में से वन कैसा है, नाइन में से वन है प्योर राउंड और प्योर येलो, एक प्योर राउंड और प्योर येलो, एक आ गया हमारे पास। देखते हैं दूसरा, ये है प्योर राउंड और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो कैपिटल स्मॉल आ गए, तो जीनोटाइप की हम बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, दैट इज हाइब्रिड, तो ये हो गया प्योर राउंड और हाइब्रिड येलो। क्या कोई ऐसा हो रहा है जिसमें दो कैपिटल आ रही है प्योर राउंड और एक कैपिटल एक स्मॉल वाई, हाँ एक ही रहा, तो इसका मतलब हमारा प्योर राउंड और हाइब्रिड येलो दो आ गई, तो क्या हुए टू कैसे हैं, टू कैसे हमारे प्योर राउंड और हाइब्रिड येलो, प्योर राउंड और हाइब्रिड येलो। और देखते हैं ये कैसा है फिर हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड क्यों, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, और प्योर येलो हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, यानी और पूछना, देखिए हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, ये रहा हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, तो कितने हो गए वन एंड टू, लेकिन किस में से, नो में से ही हम देखिए नाइन में से, तो टू कैसे हो गए हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, ये कैसा है हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो, देखिए क्यों, क्योंकि एक कैपिटल आर है एक कैपिटल वाई है, दूसरा स्मॉल है तो हाइब्रिड बोल दिया, तो ये कितने हैं, देखिए ये 4 के 4 एक जैसे हैं, तो क्या हो गया 4 क्या आए हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो, तो 9 में से 9 तक डिवाइड कर दिया 1 2 2 4 1 2 2 4। अब इन तीन में से देखिए तो तीन बच गए 1 2 1 2 और 3, ये देखिए प्योर राउंड और प्योर ग्रीन, क्योंकि स्मॉल वाई है तो प्योर राउंड प्योर ग्रीन, प्योर राउंड प्योर ग्रीन एक है इन तीन में से,
एक दो और तीन, क्योंकि हम ये तीन ले रहे हैं, तो प्योर राउंड और प्योर ग्रीन, प्योर राउंड और प्योर ग्रीन वन, बाकी दो बच गए, देखते हैं एक बार। हाँ, हाइब्रिड राउंड प्योर ग्रीन टू कैसे हैं? हाइब्रिड राउंड प्योर ग्रीन, हाइब्रिड राउंड प्योर ग्रीन, दो और एक तीन कंप्लीट। अगले थ्री देखते हैं फिर। ये देखिए ये कैसा है, प्योर स्मॉल आर है ना, तो स्मॉल आर है तो प्योर रिंकल और कैसे प्योर येलो, प्योर रिंकल। क्यों प्योर रिंकल, क्यों? क्योंकि दो स्मॉल आर है, यहां पर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं, तो प्योर किसका कैरेक्टर हो गया, ये प्योर हो गया प्योर रिंकल का, क्योंकि स्मॉल आर स्मॉल है। तो इन तीन में से प्योर क्या बताए, प्योर रिंकल्ड एंड प्योर येलो एक, ये देखिए प्योर रिंकल्ड प्योर येलो, जबकि ये दो प्योर रिंकल्ड और हाइब्रिड येलो, प्योर रिंकल्ड हाइब्रिड येलो दो, कैसे प्योर रिंकल्ड और हाइब्रिड येलो वन जो है इसमें कोई वन जो बच गया, कैसा प्योर रिंकल एंड प्योर ग्रीन। तो अब रेशियो क्या हुई, मेंडेलियन डायहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो वन टू टू फोर, वन टू वन टू वन, तो क्या हुई वन टू टू फोर, वन टू वन टू वन, वन टू टू फोर, वन टू वन टू वन, वन टू टू फोर, वन टू वन टू वन। तो ये हमारा था डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां से एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, मेंडल ने क्या दिए थे, कुछ लॉज दिए थे, तो कुछ लॉ हम पहले बता चुके हैं, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जो गैमेट्स हैं, जीन है, एक्सप्रेस देमसेल्फ, दैट इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है, तो डोमिनेंसी को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पूछ लेते हैं कई बार कि ये कौन सा लॉ ऑफ डोमिनेंट को जो डिफाइन कर रहा है, वो किस क्रॉस से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम कर सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिखा सकते हैं, हालांकि यहां भी तो आपका डोमिनेंट है। इसी तरह से हम देखें डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू कैरेक्टर, तो डाइहाइब्रिड हो गया, यहां पर दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन को भी हम मोनोहाइब्रिड में कर लेते हैं। यदि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम देखें, व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन गैमेट आर सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जो कैरेक्टर्स हैं, जीन्स हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, कैरेक्टर आर सेग्रीगेट, ये भी लिख सकते हैं कैरेक्टर आर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन में, ये यहां भी सेग्रीगेट हो रहे हैं, मोनोहाइब्रिड में भी सेग्रीगेट हो रहे हैं, मोनोहाइब्रिड लिख सकते हो। पर जो अभी हम बताएंगे वो आपको, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय डाइहाइब्रिड क्रॉस। कैसे, देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, law of independent assortment, क्या कहता है law of independent assortment, ध्यान से सुने, independent mean स्वतंत्र रूप से, law of independent mean gamete are forms, कि gamete क्या हो गए, बने, after gamete formation they segregate, वो segregate हुए, अलग हो गए, separate हुए, after formation of gamete they segregate and independently mix with each other, और कोई कहीं जाकर मिल गया। अभी उसको explain भी करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या होता है law of independent assortment,
आफ्टर सेग्रीगेशन, आफ्टर सेग्रीगेशन मीन अलग होना, आफ्टर सेग्रीगेशन गैमेट गोस इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली एंड कंबाइंड विथ ईच अदर, ईच अदर टू फॉर्म पेरेंटल एज वेल एज न्यू कॉम्बिनेशन। और वो क्या करते हैं, पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे हम इसको एक बार यहां से थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आफ्टर सेग्रीगेशन जब गैमेट फॉर्म हो गए, सेग्रीगेट हो गए, गैमेट फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, क्या जाएंगे, दे मूव, गैमेट्स मूव, कैरेक्टर मूव गोज इंडिपेंडेंटली, इधर उधर चले जाते हैं एंड और क्या कंबाइंड विद, और कंबाइंड मिलते हैं रेंडमली, कंबाइंड रेंडमली भी लिख सकते हो, कंबाइंड ईच अदर, कंबाइंड रेंडमली, कंबाइंड रेंडमली, रेंडमली कंबाइंड होंगे एंड और क्या बनाएंगे, फॉर्म पेरेंटल एज वेल एज न्यू कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहां से देखिए, ये है, ये थे पेरेंट, ये थे पेरेंट, अब हम इनके क्या बनाए थे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये क्या हो गए, बन गए क्या, गैमेट, और गैमेट के बाद क्या हुआ, फिर रैंडमली गए और इन्होंने फिर एक अपना कंबाइंड वे और नए बनाए। तो इसका मतलब देखें क्या इनमें कोई पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, देखिए ये देखो, ये पेरेंटल और ये पेरेंटल, यदि यहां की बात करें स्मॉल आर स्मॉल सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये रहा, देन देयरफॉर क्या बना दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो रेंडमली ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, बट देखें क्या ये हमारा पेरेंट था, क्या ये हमारा पेरेंट था, नो, सो दे गोज रेंडमली फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन। सो दिस इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट डायहेड्रॉस एंड फॉर मोर अपडेट कनेक्ट विद अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स।